अब खबरें विस्तार से। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया है। यही कारण है कि किसान धान बेचने सोसाइटियों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उन्हें भी इंतजार है 3 दिसंबर का। इस दिन पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। नई सरकार जैसे ही घोषणा पत्र पर अमल करते हुए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मुनादी करेगी, किसान धान लेकर मंडी या समिति के पास पहुँच जाएंगे। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में तो किसानों ने धान बेचना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सक्षम किसानों ने अरुचि दिखानी शुरू कर दी। कोरबा समेत छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में यही दृश्य है। किसानों का मानना है कि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है, और उन्हें उम्मीद है कि चूंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, इसलिए जिसकी भी सरकार आएगी वह अपने घोषित दर पर धान खरीदेगी। ऐसा मानकर धान बेचना बंद कर दिया गया है। बोले हैं चुनाव का समय है, उसी का इंतजार कर रहे हैं किनका सरकार बनेगा तो उस रेट में बिकेगा करके। किसके इंतजार कर रहे हैं? दो में जो भी सरकार बन जाए। 3100 या 3200 तो दोनों सरकार 3100 के जिनका सरकार बनेगा वो देंगे, तो बनने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ कटाई भी हो रहा है, सुखा सुखा के रखते जा रहे हैं। 3 तारीख के बाद ही बेचेंगे धान। कहे 3 तारीख के बाद बेचेंगे? तो कहे आश्वासन दिए हैं कांग्रेस भाजपा दोनों कि हम भाव बढ़ाएंगे, तो देखिए उसमें क्या भाव बढ़ाते हैं, उसी का इंतजार कर। सर यहाँ धान जो बीजेपी और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है 31 और 32 के, उसके वजह से मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख का, इसके बाद ही धान आ पाएगा। गौरतलब है कि भाजपा ने जहाँ 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने और एक मुश्त राशि दिए जाने की घोषणा की है, वही कांग्रेस ने 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदी के साथ कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी है। बहरहाल किसानों को भी इंतजार है 3 दिसंबर का। देखना है कि सरकार किसकी बनती है और किसानों को धान का कितना समर्थन मूल्य प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।